चाहता हूँ कि मुझे सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और उनके आशीर्वाद से समाज सेवक पार्टी दिन प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। उनके साथ ही पावर ऑफ जनाधिकार के संपादक श्री अरुण कुमार शर्मा जी भी मंच पर आते हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और मैं उनसे ये आशा करता हूँ कि हर कदम पर वो समाज सेवक पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आज इस समारोह में पार्टी के कुछ सदस्य उपस्थित नहीं हो सके हैं क्योंकि उनको विलम्ब से आना और जाम की वजह से नहीं उपस्थित हो सके हैं, जिसके लिए समारोह में उपस्थित मैं सभी जनों के बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। समारोह में समस्त उपस्थित मीडिया कर्मियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ एवं समस्त सम्मानित जनों का भी हृदय से, पार्टी के समस्त पदाधिकारियों सदस्यों एवं अन्य जिले के लोगों का भी मैं हृदय से सम्मान प्रकट करता हूँ। समाज सेवक पार्टी आज इस प्रेस क्लब के आयोजन संख्या में अवश्य कम दिख रहे हैं। पार्टी 2022 के विधानसभा के चुनाव में लगी हुई है और 2022 के चुनाव में पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ लगभग सभी जिलों में चुनाव लड़ेगी और यदि आम जनमानस में अपनी पुरानी जानकार की व्यवस्था को की परिपाटी से हटकर सोच चयन किया तो समाज सेवक पार्टी एक विकल्प के रूप में उनको उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत पार्टी के रूप में दिखाई देगी। पार्टी समानता के अधिकार पर भरोसा रखती है। अंग्रेजों की नीति से फूट डालो, शासन करो। अब तक की जितने भी आजादी के बाद से राजनीतिक दल बने सभी ने फूट डाला, जनता का डिवाइडेशन किया, सत्ता को हासिल किया, उसके बाद जनता उनके पीछे भागती रही और यदि सत्ता में आने के बाद किसी भी संगठन या समुदाय ने अपनी समस्याओं को रखा तो उनको लाठियों के अलावा वही अंग्रेजों की हुकूमत सरकारों ने भी चलाई, लाठियों से उनकी आवाज को दबाया है। समाज सेवक पार्टी समाज के हर वर्ग का आर्थिक उत्थान करेगी, किसानों को उचित मूल्य देगी और साथ ही मीडिया के कर्मी जो संसद विधायिका न्यायपालिका और कार्यपालिका के बाद पांचवा स्तंभ अपने जान पे खेल के दिन रात एक करके वो जनता के बीच में सही खबर लाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको भी इस पर छापने के लिए सत्ता में मौजूद अब तक की जो भी सत्ताएं रही हैं दबाव बना करके निष्पक्ष खबर छापने से रोका जाता रहा है। फिर भी संपादकों ने और पत्रकारों ने प्रथम पृष्ठ पे नहीं तो द्वितीय पृष्ठ पे जरूर कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई या संपादकीय कलम में उस तथ्य को अवश्य लिखा होगा और यदि समाज सेवक पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है तो समाज सेवक पार्टी पत्रकारों को जीवन बीमा सरकार की ओर से देगी, जिससे कि क्योंकि उनको किसी से कुछ नहीं मिलता है यदि कोई उनके साथ होगी। इसी के साथ मैं अपने अभिभाषणों को समाप्त करता हूं और आप सभी का
अभिनंदन करते हुए आप सभी को स्वागत प्रणाम करता हूँ।